हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं कि किस प्रकार से हम एरे का एक प्रोग्राम बना सकते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि एरे क्या होता है। तो एरे इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, यानी कि एक जैसी चीजों का एक ग्रुप जो है एरे कहलाता है। एरे इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। जैसे सपोज कीजिए यहाँ A10 लिखा हुआ है। A10 यानी कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये स्क्वायर ब्रैकेट ही एरे की पहचान होती है, ठीक है। अब जो एरे होता है उसकी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है। यहां पे मैंने जीरो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जो भी इसमें वैल्यू स्टोर होगी वो पहले A0 में स्टोर होगी, ठीक है। सपोज कीजिए कि जो A स्टोर होगी, जैसे मान लीजिए यहां पर पहले वाले जो एड्रेस है यानी A0 में स्टोर हो गया 5, ठीक है। फिर A1 में जो स्टोर हुआ मान लीजिए वो स्टोर हो गया 5, ठीक है। तो इस तरह से करके वैल्यूज स्टोर होंगी इसमें, ठीक है। लेकिन इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये एक प्रोग्राम देखते हैं हम, और उस प्रोग्राम को देखने के बाद आपको ये काफी समझ में आ जाएगा जो ये प्रोग्राम आज का है। जैसे सपोज कीजिए हम दो नंबर्स का एडिशन करवाते हैं, ठीक है। कैसे करवाते हैं आइए देखते हैं। इस प्रोग्राम को मैंने पहले भी बताया है, लेकिन ये प्रोग्राम जो है एरे से रिलेटेड है। इसमें हम दो से ज्यादा नंबर्स का एडिशन करवाएंगे, यानी कि 10 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर या 100 नंबर का भी एडिशन करवा करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं हेडर फाइल बना लेता हूं, हैश इंक्लूड stdio.h। फिर यहां पर मेन फंक्शन बनाता हूं मैं, और अब हम यहां पर डेटा टाइप लेंगे इंट, ठीक है, ले लिया। अब यहां पे इंट और इसकी साइज मैं लेता हूं, देखिए एरे की पहचान होती है स्क्वायर ब्रैकेट, मैंने पहले ही बताया है। अब इसकी साइज 10 रखता हूं मैं, कॉमा दिया मैंने, और एक वेरिएबल बना लिया आई लूप चलाने के लिए, और एक वेरिएबल और बना लिया मैंने सम नाम का, क्योंकि हमें सम कराना है, एडिशन करवाना है 5 या 10 या 20 या 50 नंबर का। तो अभी फिलहाल हम 10 नंबर का ही एडिशन करवाएंगे क्योंकि साइज यहां 10 रखी है हमने, ठीक है। तो अब यहां लिखा हमने सम इज इक्वल टू 0, यानी सम को इनिशियलाइज कर दिया हमने, सम में 0 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। अब यहां लिखता हूं प्रिंट एफ, ठीक है, यहां पे stdio डॉट छूट गया है, यहां पे डॉट लगा लीजिए। अब यहां लिखा मैंने प्रिंट एफ, ठीक है। तो प्रिंट एफ में लिखा मैंने एंटर 10 नंबर्स फॉर एडिशन, ठीक है, ये लिख दिया हमने, इसको क्लोज किया। अब यहां पर एक लूप लगाएंगे हम। लूप क्यों लगाएंगे, क्योंकि स्कैन ऑफ यानी कि यूजर से जो इंटर कराएंगे वो इस लूप से ही हम कराएंगे, ठीक है। तो यहां आई की वैल्यू को जीरो से स्टार्ट करूंगा, आई इज लेस देन और इक्वल टू 9 तक चलाऊंगा इस लूप को, ठीक है। अभी ये बात आपके समझ में आएगी कि ये 9 तक ही क्यों चला रहा हूं, क्यों नहीं 10 तक चला रहा हूं, क्योंकि हमें 10 वैल्यूज इंटर करानी है तो भी मैं 9 तक ही चला रहा हूं। चूंकि मैंने आपको बताया है अभी कि एरे की जो इंडेक्सिंग है वो जीरो से स्टार्ट होती है, दैट्स वाई यहां पर जो लूप चला रहा हूं मैं जीरो से चला रहा हूं, यानी ए जीरो में पहली वैल्यू स्टोर होगी, ए वन में दूसरी, इसी तरह करके ए नाइन तक 10 वैल्यूज इसमें स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये ले लिया हमने। अब यहां पर परसेंट डी लिखूंगा, चूंकि इंटीजर हमने लिया हुआ है, ये इंट जो है ये कीवर्ड है इंटीजर का, और इसका मतलब ये है कि हम यहां पर इंट टाइप का डेटा टाइप यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर एड्रेस ऑफ ए आई स्टोर करा देता हूं मैं, ठीक है। अब एड्रेस ऑफ ए आई स्टोर कराने से क्या होगा, देखिए यहां पहले ए में क्या रखा हुआ है, आई में क्या रखा हुआ है, जीरो रखा हुआ है, तो ए आई, ठीक है, जीरो रखा हुआ है तो ए जीरो में जो वैल्यू स्टोर होगी वो आ जाएगी। फिर ए वन, अब देखिए यहां लूप जैसे ही चलेगा तो अब इंक्रीमेंट होगा, तो इंक्रीमेंट होगा तो 1 आ जाएगी वैल्यू, 2 आ जाएगी, ऐसे करके ये 9 तक चलेगा, ठीक है, 9 तक चलेगा, यानी 9 तक जो भी चलेगा वो वैल्यूज इसमें स्टोर होती जाएंगी, किसमें स्टोर होंगी, ए आई में, ठीक है। तो इसलिए यहां पे ए आई लिखा मैंने। अब यहां पर एक और लूप लगा लेता हूं, ठीक है, आई की वैल्यू को सेम कंडीशन, आई की वैल्यू को जीरो से स्टार्ट करूंगा, आई इज लेस देन और इक्वल टू 9 तक चलाऊंगा इस लूप को, आई प्लस प्लस कर दिया मैंने। अब यहां पर जो सम नाम का हमने लिया हुआ है वेरिएबल बनाया हुआ है उसमें जीरो इनिशियलाइज किया गया है, तो यहां पे पहले सम में जीरो होगा और इसमें मैं प्लस करता हूं ए आई को, ठीक है। यहां पर भी सेम कंडीशन है कि लूप चलेगा और आई में पहले जीरो स्टोर होगा, ठीक है, फिर 1 फिर 2 ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा, ठीक है।
तो अभी मान लीजिए सम में क्या स्टोर है, जीरो स्टोर है, तो लूप चलेगा, ठीक है। तो पहले तो जीरो होगा, तो ए जीरो में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, ए वन में प्रिंट होगी, ए टू में प्रिंट होगी, इसी तरह से करके ये जुड़ता जाएगा और लूप के कारण हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहां पर मैं प्रिंट एफ लिखता हूं, यहां लिखता हूं परसेंट डी इज द एडिशन ऑफ 10 नंबर्स, ओके। और यहां पर क्या करूंगा, सम में जाके वैल्यू स्टोर होगी, तो यहां सम लिख दिया मैंने और यहां पर दे देता हूं रिटर्न जीरो, ये कर दिया हमने, और यहां कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। चलिए अब यहां से इसको सेव करेंगे, हम सेव करता हूं rr.c नाम से इसको सेव कर लेता हूं मैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली यहां से कंपाइल करवाना है प्रोग्राम को, तो यहां से कंपाइल करवाया हमने, प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब इसको रन करवाने की बारी, तो यहां से रन भी करवा दिया हमने, तो यहां लिखा हुआ आ रहा है एंटर 10 नंबर्स फॉर एडिशन, ठीक है। एडिशन करवाने के लिए 10 नंबर्स आप एंटर करें, तो मैं एंटर करता हूं 2, 3, 2, 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
21। चलिए इसी प्रोग्राम को दोबारा से एक बार रन करवाते हैं और एक बार और इसको चलाते हैं, देखते हैं एडिशन आता है या नहीं। यहाँ पे मैं 10 इंटर करूंगा, 10 ये 3 times 10 हो गया, ये 4 times 10 हो गया, ये 5 times 10 हो गया, ये 6 times 10 हो गया, ये 7 times 10 हुआ, ये 8 times 10 हुआ और ये 9 times, एट लास्ट ये 10 times 10 हो गया। तो ये इसका एडिशन 100 होकर आ गया। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ रही होगी आपको। इसी तर्ज पर मैंने एवरेज भी निकालना सिखाया है आपको। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद जरूर आएगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।